We announce very very special, very very special announcement. See, this is a management accounting and business finance by Shashi K. Gupta and R. K. Sharma. ये बुक आपके जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, अगर आप सोचोगे कि मैं आपको बुक क्यों शो कर रही हूँ, आपके पास होगी, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के पास ये बुक होगी, बट जिनके पास नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं मैम हम कौन सी बुक रेफर करें, तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपके जो भी ग्रेजुएशन की बुक है या फिर जो भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक है, जस्ट वही आपके लिए इनफ है. बट कुछ है यहाँ पे जो हाउस वाइफ्स हैं या फिर जो हमारे ऑफिस मेंबर्स हैं जो बहुत ज्यादा नहीं अच्छे से बुक्स कैरी कर पाते हैं अपने साथ साथ, तो मैं उनके लिए ये लेकर आई हूँ. ये हम थोड़ा सा न्यू स्टार्ट करते हैं. इसमें मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी. क्यों आपको, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे स्लाइड से ज्यादा इजी पड़ता है, बट मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये बुक्स. सब बुक रेफर करें, सब बुक बाय करें, उससे अच्छा है कि यहाँ पे जो नहीं कर सकते हैं बुक बाय या फिर जो नहीं अपने साथ कैरी कर सकते हैं इतनी बुक्स कि उसके पास मैनेजमेंट की भी हो मार्केटिंग की भी हो, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नहीं होगा अच्छा, ठीक है, और वो बहुत कॉस्टली भी पड़ जाएगा कि आप हर एक टॉपिक की अलग अलग बुक्स लो. तो ये मैंने किया कि मैं आपके लिए हर एक बुक लेकर आऊंगी हर एक टॉपिक से, और हम बुक्स में से बहुत अच्छे से उसको समझेंगे, क्योंकि जो बुक की स्टडी होगी ना, बुक स्टडी इज वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है. जो बुक की स्टडी है वो हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, आपको पता है ना, स्लाइड्स कर सकती है ना आपका जो नॉर्मल है, हम कोई भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस फाइनेंस की बुक है, ध्यान से देख लीजिए. मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैं आपको इसके टॉपिक्स, हम पहले फर्स्ट डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, ठीक है, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम इनको कितने डेज में इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितने डेज में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है. एक तो वो हमारा टॉपिक हो जाएगा, और थर्ड हम ऐसे ही मार्केटिंग की, इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स की, HRM की, लेबर लॉ की, हर एक बुक करेंगे. स्पेशली स्टैटिस्टिक्स OR की भी हम कर सकते हैं इसमें. तो हम यहाँ पे बुक्स से जो हमारा, आपको ही पता है, हम यहाँ पे ये मैं आपको तीन आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले टॉपिक्स हम डिवाइड कर लेते हैं इसमें से, डेज हम कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, HRM, सबकी मैं आपको एक एक बुक्स आपको रेफर कर दूंगी, और हम बुक में से ही पढ़ेंगे. अगर आपको ये बुक बाय करने तो आप कर सकते हो, बट मैं नहीं बोलती कि आप हर एक बुक बाय करो. अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगी या फिर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आगे बुक्स में से ही ज्यादा अच्छे से करें. स्लाइड्स में भी मैं आपको दूंगी, बट बुक्स में से भी हम करेंगे, क्योंकि जो बुक्स में जो डाटा है वो बुक का ही डाटा, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते. ये आपको भी पता है कि बुक में कितना रेलिवेंट होता है और कितना ज्यादा यूजफुल होता है अगर आप देखोगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. प्रीफेस तो आपको पता ही होगा. अब हम इसके टॉपिक्स देख लेते हैं. सबसे पहले है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है. अब जैसे नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखो, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ फाइनेंस, ये आपको सब ऑलरेडी पता है. हम थोड़ा सा ओवरव्यू हम कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं हम देखेंगे. इसको मैं जस्ट आपको पूरा, इसमें से हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है MIS, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजियल अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम इसमें से कौन कौन सा टॉपिक करने वाले हैं वो आप देख लीजिए फर्स्ट, देन सेकेंड. एंड अगर कोई और आपको लगे कि हमें कोई और चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में दे देना, तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो मैं उनको भी एड अप कर लूंगी, ठीक है. तो जैसे जैसे आपको जो जो लगे मुझे बताते रहना. ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है. ये जस्ट हम, मैं आपको बता रही हूँ, हमारा एक टॉपिक होगा, और दूसरा टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब इसमें ना आप ध्यान से देखो, इसमें हम ज्यादा, अगर आप देखोगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, हम थोड़ा सा बस देख लेंगे, ओवरव्यू कर लेंगे कि हमारी जो इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है हम वो, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है हम वो अच्छे से कर लेंगे इसमें, ठीक है. बाकी हमारा अगर आप देखोगे रेशो एनालिसिस है, रेशोज का मैं आपको अपने नोट्स दे दूंगी जो रेशोज में है वो देख लेंगे. और इसमें जो ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ROI क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, REC, EPS, अर्निंग प्राइस शेयर. सो हम ये छोटे छोटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, और ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, अवेलेबल है गूगल पे, बट जो बुक की बात है वो बुक की ही बात है, ठीक है. तो वो ये हम थोड़ा सा, ये वाला हम इसमें
टॉपिक करेंगे और रेशो मैं आपको पूरा अपने नोट्स दे दूंगी। तो हम ये चार टॉपिक तो हम एक दिन में करने वाले हैं, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ये सुबह मॉर्निंग 11 AM स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसने भी करना है 11 AM अपना जो है, मैं आपको लिंक सेंड कर दिया करूंगी रोज वीडियोज का, बट आप भी सब्सक्राइब कर लो। अगर मैं नहीं दे पाई तो एटलीस्ट आपका मिस ना हो, ठीक है? क्योंकि हम इसको 5 डेज में कंप्लीट करेंगे पूरी मैनेजर को। जो करना चाहता है तो वेलकम है, नहीं तो आप अपनी बुक्स भी ले सकते हो, इट्स योर विश। एंड रेशो एनालिसिस हमें चार टॉपिक्स करेंगे एक दिन में, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना फंड फ्लो और कैश फ्लो। क्योंकि फंड फ्लो अगर आप देखोगे ना, हमारा जो यहाँ पे फंड फ्लो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे देखो हमारा मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ फंड्स, सबसे पहले फंड्स होता है, क्योंकि इस बार भी हमारे पास क्वेश्चन आया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, तो हम वो करेंगे। एंड सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हो गया, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट हम एक दिन में करेंगे, और इसके साथ बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और सोशल कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वो भी हम साथ में कर लेंगे। तो मतलब ये चार टॉपिक हमारे एक दिन के कंप्लीट हो गए, तो सेकंड टॉपिक हमारा सेकंड डे के लिए हो गया, मतलब कल मंडे है, ट्यूजडे के लिए हमारे टॉपिक ठीक हो गए। देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी हमारा है, और नेचर एंड स्कोप ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटलाइजेशन, अगर आप देखोगे इसमें कैपिटलाइजेशन में हमारा जैसे वॉल्टर का स्टॉक ऑफ गोल्ड है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका, मैंने यहाँ पे देखा था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम वर्किंग कैपिटल का अलग से चैप्टर भी करेंगे इसमें, ठीक है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका ये इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट है, कि मतलब नो पार स्टॉक क्या होता है, इक्विटी शेयर्स आपको पता है ऑलरेडी, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, डेफर शेयर्स क्या है। हम इसको बुक्स में से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बुक्स में ना जो आपको बुक की बात है, देखो वो बुक की ही बात है, आपको भी पता है कि क्या डिफरेंस है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो ऑनलाइन डाटा अलग होता है, बट अगर आप बुक्स में से पढ़ते हो तो बुक्स की तो आप तभी मुझसे पूछते हो ना कि बुक्स कौन सी लें। तो रिटेन अर्निंग्स और प्लफिंग बैक और प्रॉफिट्स क्या होता है, ठीक है, लोन फाइनेंसिंग क्या होता है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमें नहीं मिलता है हर एक। अगर आप ऑनलाइन भी चेक करोगे मिल जाएगा, बट बहुत ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको, हमारे सिर्फ 5 लेक्चर्स होंगे और हम पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे, जस्ट ओवरव्यू करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगी अब मेरे टेलीग्राम से, ठीक है, जो जो हम करेंगे। तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा थर्ड डे का लेक्चर होगा फर्स्ट, देन उसके बाद हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेबी एक्ट। सेबी एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेबी की गाइडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी हम करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हम कर लेंगे एक दिन में, थर्ड डे के हो गए। देन उसके बाद लास्ट, वैसे 5 पूरे भी नहीं बन रहे, अगर आप देखोगे 5 लेक्चर्स भी नहीं बन रहे, 3 तो हमारे कंप्लीट हो गए, 3 हमने फाइनल कर लिए। अगर आप उसमें कुछ और एडअप करना चाहते हो, आपको मैं बुक्स की फोटो दिख ही रही होगी, इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगी आपको सिलेबस की, जो जो हम करना चाहते हैं। तो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे कल तक बता देना कि कौन कौन टॉपिक मैं इसमें एड अप करूं, ठीक है? तो वो मैं आपको बता रही हूं। डिविडेंड पॉलिसी एंड डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ना आपका एमएम अप्रोच वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक वॉल्टर एंड गॉर्डन की इंपॉर्टेंट है। और इसमें ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि एक रेलिवेंट कौन सा होता है और एक इरेलीवेंट कौन सा होता है, तो हम वो भी करेंगे इसमें। और रेलिवेंट आपका है वॉल्टर एंड गॉर्डन, और इरेलीवेंट है आपका एमएम और रेसिडुअल अप्रोच, तो वो हम इसमें इंपॉर्टेंट है, वो हम करने वाले हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, तो ये तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है, ये वाला हम करेंगे। ये हमारा फोर्थ डे का हो गया ना फाइनल, तो ये डिविडेंड हो गया। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन कैपिटल बजटिंग, ये वाला हम फिफ्थ डे का रख लेते हैं, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली करेंगे। तो इसलिए हमें फोर्थ डे के लिए चाहिए, ठीक है, दोनों। इसमें आपका डिविडेंड होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसमें कॉस्ट ऑफ डेट इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, देन इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो हम ये भी करने वाले हैं, ये हम फोर्थ डे के लिए रख लेते हैं। और जो लास्ट है हमारा कैपिटल बजटिंग, हम फिफ्थ के लिए रखेंगे, ये हमारा फिफ्थ डे का टॉपिक है, कैपिटल बजटिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस बुक का, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये बहुत ज्यादा यूजफुल बुक है, अगर आप देखोगे टाइप ऑफ ट्रांसफर प्राइजेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन गूगल पे, बट यहाँ पे इसके सिलेक्शन है, मेथड्स, एडवांटेजेस हैं, तो वो सब कुछ आपको एक जगह नहीं मिल सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बुक रिकमेंड की है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको बाय करो, मैं ये कह रही हूँ कि हम इसकी क्लासेस शुरू करते हैं, मैं आपको इसी में से ही दिखाऊंगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जो भी आप कहोगे कि मैं बुक से ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके सिर्फ 5 लेक्चर्स हम दोबारा डिस्कस कर लूँ मैं, 5 डे के कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट डे का होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर, देन हमारा होगा सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज, हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेंगे, एंड देन फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम ये 4 करेंगे कल, ठीक है। इसके मैं आपको नोट्स दे दूंगी, बट ये वाला टॉपिक हम बुक में से ही करेंगे, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। एंड देन हमारा होगा फिफ्थ,
फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये हम सेकेंड डे में रखेंगे, मतलब ट्यूसडे को हमारे दो ये होंगे और एक इन्फ्लेशन और सोशल अकाउंटिंग होगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब हमारे दो दिन के फाइनल हो गए, देन थर्ड डे हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, वैसे आपको पता ही होगा बट बुक से आपको पता है, थोड़ा सा हम बुक भी पढ़ लेंगे, जिसके पास नहीं है शशि के गुप्ता तो उनके लिए है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो थर्ड डे के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस फाइनेंसिंग हो गया, कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, तो पांच हमारे हो गए थर्ड डे के लिए। देन फोर्थ डे को हम क्या करने वाले हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस इंपॉर्टेंट है एंड इसमें आपका सेबी इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ डे के लिए और वर्किंग कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो हम करने वाले हैं, इसको अच्छे से देख लो आप अच्छे से, अगर कोई गड़बड़ हो, कोई कंफ्यूजन हो मुझे बता देना। ये हमारा फोर्थ डे का हो गया। देन फिफ्थ डे को हम डिविडेंड पॉलिसीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, तो वो हम कर लेंगे। फोर्थ डे तक हम यहाँ पे तक करेंगे क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कमेटीज है यहाँ पे, तो कमेटीज के मैं आपको नोट्स दे दूंगी, ठीक है, वो हम वहां से कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्रीफली होगा, हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें से हमेशा आपको क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्टर एंड गॉर्डन का अप्रोच है और एमएम अप्रोच है। तो अगर आप चाहते हो मैं बुक से स्टडी करवाऊं, अगर आप चाहते हो मैं ये चीज स्टार्ट करूं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो, क्योंकि आपको भी पता है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स यही मुझसे ही पूछते हैं कि हम कौन सी बुक रेफर करें। तो मैं आपको ये दोबारा से दिखा देती हूँ, ये बुक मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस फाइनेंस बुक है, शशि के गुप्ता एंड आर के शर्मा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, आप देख लो इस बुक को अच्छे से अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो। कल्याणी पब्लिशर की है ये, ठीक है, कल्याणी पब्लिशर की है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस फाइनेंस, शशि के गुप्ता, आर के शर्मा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, फाइव लेक्चर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, पीडीएफ मैं आपको सिलेबस की टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पे दे दूंगी, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप ये करना चाहते हो स्टार्ट मेरे साथ बुक्स का, और मैंने आपको बताया हम कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे बुक में से, देख लो जो 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 आपका सब्जेक्ट है आप देख लो, हम कौन कौन सा करेंगे, एक तो मार्केटिंग करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स करेंगे, अकाउंट्स तो करेंगे, एचआरएम करेंगे, लेबर लॉ एंड स्टैटिक, और थोड़े से हम और एडअप कर लेंगे जैसे जैसे हमारा थोड़ा सा चलेगा ये, ठीक है। तो हम फोर मंथ है हमारे पास, तो मुझे लगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तरह से ना ये वाला आइडिया मुझे नहीं मिला, और लोग भी बोलते हैं कि हमें बुक्स रेफर करो, बुक्स रेफर करो, क्योंकि बुक से पढ़ने का जो है वो हम आपको पता है हम नोट्स में नहीं कर सकते, ठीक है, और हर कोई बुक्स नहीं ले सकता हर टॉपिक की। तो मेरे पास है ये डाटा, मैं आपको दे देती हूँ, मैं ही बुक ले लिया करूंगी और मैं ही आपको शेयर कर दिया करूंगी, ताकि एक ही मेंबर ले ले और सब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा, तो मेरे माइंड में एकदम से आया, मैंने जैसे आपको शेयर कर दिया। तो अगर आप इसको चाहते हो ज्वाइन करना, देन प्लीज सब्सक्राइब यूजीसी हब, ठीक है। और अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पे मुझे बता देना, और कमेंट्स में भी आप डाल सकते हो। और एक और बात, मैं आपको इसके सिलेबस की जो पीडीएफ बनाकर दे दूंगी, ताकि आप इसको कल तक देख लो, ठीक है, जितने जितने, और आपको जो लगे ना जो मुझे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे नहीं आ रहा है, वो आप मुझे बता देना, हम वो भी एडअप कर लेंगे कल, ठीक है। तो प्लीज प्लीज मेरे साथ अगर आप कोऑपरेट करना चाहते हो तो इट्स वेरी वेरी गुड, और आप देख लेना। फिर अगर आपने बुक बाय करनी है तो ये बुक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस फाइनेंस, शशि के गुप्ता, आर के शर्मा, कल्याणी पब्लिशर्स। सो थैंक यू, एंड प्लीज आप इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पे ले लेना, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।